जीत अब बस तुम्हारी ही होगी। परमपिता परमेश्वर कहते हैं, आज का संदेश तुम्हें और तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। परमात्मा कहते हैं, मेरे प्रिय, समय आ गया है जहाँ तुम्हें केवल प्रसन्नता में ही रहना है। क्या तुम महसूस कर रहे हो, तुम्हारी ऊर्जा दिन पर दिन सकारात्मक होती जा रही है। तुम्हारी ओरा में आने वाले लोगों को अच्छा महसूस हो रहा है। तुम्हारे मस्तिष्क का तेज बढ़ता जा रहा है, उसे अब लोग भी देख पा रहे हैं। तुम्हारे चर्चे हो रहे हैं। कुछ दिनों से तुम्हें अपने भीतर कुछ बदलाव महसूस नहीं हो रहा है। तुम्हारा व्यक्तित्व बदल रहा है। यदि तुम स्वयं में कुछ बदलाव महसूस कर रहे हो तो पुष्टि करने के लिए यस लिखें। मेरे प्रिय, तुमने स्वयं को बदलने का पहला कदम उठा लिया है। अब तुम रुकने से कभी नहीं रुकोगे। जो ठान लिया है उसे पूरा करने वाले हो और वह पूरा होगा भी। अभी तुम्हारे तेज और चमक को कुछ ही लोगों ने देखा है। वो दिन दूर नहीं जब चारों ओर तुम्हारे ही चर्चे होंगे। यदि आपको परमपिता परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास है तो इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करें। मेरे प्रिय, अब तुम स्वयं को नकारात्मक ऊर्जा से बाहर निकाल रहे हो। मैं देख पा रहा हूँ, कुछ दिनों से तुम किसी धुन या संगीत या आध्यात्मिक संगीत को सुन रहे हो जिससे तुम बेहद अच्छा महसूस कर रहे हो। चल पड़े हो एक सफर की ओर जहाँ अब तुम्हें रुकना नहीं है। कुछ पाना है तुम्हें जिसकी शुरुआत तुमने कर ली है। यदि यह सत्य है तो 1100 की 11 ऊर्जा को अभी लिखें। मेरे प्रिय, तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हें सुकून और प्रसन्नता की अनुभूति होती है। बाहर की शोर से तुम स्वयं को धीरे धीरे अब दूर करने लगे हो और अब ब्रह्मांड के कुछ दिव्य संकेतों को भी समझने लगे हो। अच्छा, अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या तुम स्वयं को सवार नहीं रहे हो? कोई ऐसी आकर्षक नियम नहीं कर रहे हो जहां तुम चमक रहे हो? पहले के मुताबिक अब तुम स्वयं से ज्यादा प्रेम नहीं करने लगे हो? या तुम कल्पना करते हो कि तुम एक परे राजा के भांति सफल इंसान हो गए हो? यदि यह सत्य है तो पुष्टि करने के लिए यस लिखें। मेरे प्रिय, यह सब एक दिव्य संकेत है जो यह इशारा कर रही है कि अब तुम स्वयं को ही आकर्षित कर रहे हो। सुंदर पुष्प की तरह खिलने वाले हो जिसे हर कोई पाना चाहता है। तितली की तरह तुम्हारा भी एक पुण्य जन्म होने वाला है जिसे देखने मात्र से होठों पर मुस्कान आ जाती है। शायद अभी तुम मेरी बातों को
गहराइयों से ना समझ सको, परंतु कुछ समय बाद जब लोग तुम्हें देखकर मुस्कुराने लगेंगे, तुमसे बातें करने का बहाना बनाएंगे, तुम्हारे जैसा बनना चाहेंगे, और जब वह तुमसे प्रश्न करेंगे कि आजकल तुम क्या कर रहे हो, ऐसा क्या कर रहे हो जिसे कुछ बदले बदले से तुम दिखने लगे हो, तब तुम्हें सारी बातें स्पष्ट स्वयं ही होने लगेंगे। यदि इस दिव्य बदलाव के लिए तैयार हो तो 555 की ऊर्जा अभी लिखे। मेरे प्रिय, तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हें ऐसा महसूस होगा, भीड़ में तो सभी लोग हैं, लेकिन सभी औरों को छोड़कर तुम्हें देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तुम्हें इतना विशेष क्यों समझ रहे हैं? तुम सोच में पड़ जाओगे कि तुमने ऐसा क्या किया है, सोचने लग जाओगे सब मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं, मुझे इतना विशेष सब क्यों समझ रहे हैं। मेरे प्रिय, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। अब तुम स्वयं को ही आकर्षित कर रहे हो, स्वयं से पहले से ज्यादा प्रेम करने लगे हो, जाने ही अनजाने स्वयं को अच्छा महसूस कराने का प्रयास कर रहे हो। खुशियों को तेजी से आकर्षित करने के लिए 906 अंक अभी लिखे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता, तुम्हारा पिता और तुम्हारा सखा भी हूँ। तुम्हारे भीतर हो रहे परिवर्तन को तुमसे पहले ही देख लेता हूँ। आने वाले दिनों में तुम स्वयं अपने भीतर इन बदलावों को महसूस कर पाओगे। तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे स्वयं ही स्पष्ट ब्रह्मांड कर देगा। मैं तुम्हारे इस बदलाव से बेहद प्रसन्न हूँ। यह बदलाव ही तुम्हें सफलता और खुशियों के तरफ लेकर जा रही है। यदि इस बदलाव के लिए तैयार हो तो भाग्यशाली अंक 888 लिखे। अच्छा, तो अब मेरे एक सरल से उत्तर का जवाब दोगे? क्या तुमने अपने व्यक्तित्व में अपने भीतर कुछ भी बदलावों को महसूस नहीं किया है? मेरे प्रिय, अब तुमने पीछे देखना छोड़ दिया है। भले ही अभी तुम अपने इस बदलाव से अनजान हो, परंतु धीरे धीरे तुम्हें स्वयं आभास होने लगेगा कि तुम बदल रहे हो। तुम वो नहीं रहे जो तुम पहले थे, जो अपना ज्यादा से ज्यादा समय नकारात्मक बातों को सोच में और स्वयं को बर्बाद करने की ऊर्जा में ही लगा रहता था। अब तुम स्वयं की कदर समझने लगे हो। तुम कौन हो और क्या कर सकते हो, इसका आभास तुम्हें होने लगा है। मेरे प्रिय, अब तो तुम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हो। यदि यह सत्य है तो लिखो, हाँ, मैं अब स्वयं को बदल रहा हूँ। तुम निकल पड़े हो स्वयं को जानने के प्रयास में, अब तुम्हें रुकना अच्छा नहीं लगता है। यदि यह सत्य है तो यह लिखकर पुष्टि करे, हर हर महादेव लिखे। मेरे प्रिय, तुमने अपना प्रयास पहले से अधिक
बढ़ा लिया है। अब आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हो, जो चीज तुम्हारी अवश्य ही पूरी होगी। कोई मंत्र या ध्यान का अभ्यास भी अब तुम कर रहे हो। तुम्हें जो अच्छा लग रहा है, जिससे तुम्हें सुकून मिल रहा है, वह कार्य तुम कर रहे हो। कुछ ऐसी प्रक्रिया कर रहे हो जो तुम्हें स्वयं परमात्मा से जोड़ रहा है। लिखे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, मुश्किल से बाहर आने का सरल उपाय। मेरे बच्चे, हमेशा याद रहे, भले ही आज तुम्हें मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा है, किंतु जीत तुम्हारी अवश्य ही होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे कर्मों से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। अब तुम सत्य के मार्ग को चुन रहे हो, यही सब संकेत तुम्हारी जीत को सुनिश्चित करता है। सच्चा मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए आरती पाठक चैनल को शीघ्र से शीघ्र सब्सक्राइब कर ले, सबसे पहले दिव्य संदेश आप तक पहुंच सके। अब भूल जाओ उन बातों को, क्योंकि जो हुआ था वह बस और बस तुम्हें कुछ अनुभव दिलाने के लिए था। अब तो तुम एक बहुत ही प्यारे दिव्य मार्ग पर आ रहे हो। तुम्हारी जीत ऐतिहासिक होंगी। 616 लिखे और अपनी कोई भी इच्छा ब्रह्मांड में प्रकट करे। मेरे प्रिय, तुम्हें हर एक क्षेत्र में जीत मिलेगी। अपने आप को इसी तरह आगे बढ़ाते रहो। यदि तुम इस मार्ग में कभी गिर भी जाते हो, तो तुम्हारी माता तुम्हारे पिता दोनों ही तुम्हारे लिए खड़े हुए हैं। तुम्हें प्रेम और दुलार से फिर से खड़ा कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रयास करते वक्त गिर जाना कोई भी गलत बात नहीं है। एक बार गिर के कभी उठने का प्रयास ही ना करना सबसे बड़ी भूल हो जाती है। अब तुम स्वयं से जुड़ने का प्रयास कर रहे हो, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ही स्वयं से प्रेम करो, अपनी सेल्फ लव की पावर में आ जाओ। आध्यात्मिक सफर में ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, क्योंकि बहुत कुछ तुम्हारे सामने आने वाला है जो बहुत ही अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। जीत तुम्हारी सुनिश्चित है, अब तुम्हें रुकना नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आगे बढ़ते जाओ। टाइप यस इफ यू बिलीव डिवाइन ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।